राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका जूही लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब लोग? फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट दें। सो गाइस, आज का टॉपिक और आज का ब्लॉग ऐसा है कि आज ये जो मेरी जान दिख रही है ना आपको मेरे गोदी में, मेरी सोना, आज इनका है मुंडन, जो कि हमारे यहाँ पे यूपी बिहार साइड में होता है मुंडन, जो बुआ और मासी अपने आंचल में बाल को रोकती हैं और बच्चे का मुंडन होता है। सो वही होगा और ये मेरी जान सो रही थी गाड़ी में तो वही उठी है, तो उनके लिए हम लोग कुछ टॉयज वगैरह दिला रहे थे क्योंकि वो रो रही थी ना कि नींद से जब बच्चे उठ जाते हैं तो रोने लगते हैं, जब नींद पूरी करके उठते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो अभी इनकी दादी वगैरह आने वाली हैं लोग, तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग टॉयज वगैरह दिखा रहे हैं कि क्या लेना है, मेरी जान को ले लो। तो वही देख रही हैं तो कह रही हैं ये चाहिए ये चाहिए, तो दी ने दिलवा दिया, मम्मी ने मिलके दिलवा दिया उनको। फिर उसके बाद हम लोग चले गए मंदिर की तरफ, वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, बाप रे। आज मुंडन का बहुत ज़्यादा अच्छा मुहूर्त था। ये देखिए पूजा में बैठ गए, मम्मी मेरी इस जीजा जी के सर पे ऐसे कुछ कपड़े जो गांठ बांधते हैं ना दूल्हा दुल्हन का, वही उसके बाद से वो जीजा जी के सर पे रख रही हैं। ये मेरी दीदी, मेरे जीजा जी और मेरी जान, तो आज मेरी जान का सारा बाल निकल जाएगा, टकली हो जाएगी। कितनी क्यूट लग रही है ना, देखिए। पूजा पाठ में मेरे बच्चे को बहुत मन लगता है, बहुत बहुत उसको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। बचपन से ना उसको पूजा करना बहुत पसंद है, जहाँ देखेगी मंदिर वहीं पे हाथ जोड़ने लगती है, उसको बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। अभी पूजा दीदी कर रही है, वही ध्यान से देख रही है। देन उसके बाद से मेरा जान भी थोड़ा जय वय करेगा। फिर उसके बाद 1 घंटा समथिंग लगा था ये पूजा करने में, उसके बाद से हम लोगों ने वो मुंडन का सारा कुछ कार्यक्रम हुआ वहाँ पे। और आप लोग सोचो कि हम लोग कहाँ पे हैं, तो मैं बता दे रही हूँ आपको कि ये हम लोग अभी बिहार में हैं, जो कि थावे गोपालगंज, जिसको जिसको पता है, जो गोपालगंज से मुझे देखता है, प्यार करता है, सपोर्ट करता है, वो लोग बताएंगे ज़रूर। गोपालगंज थावे वाली माता है, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहीं पे मुंडन हो रहा है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं और हम लोग के पीछे आप देख रहे हैं ना, सबका ही मुंडन हो रहा है, जितने भी लोग बैठे हैं। और इसके पीछे ये जो दीवार दिख रहा है, ये दीवार माता रानी का ही मंदिर का दीवार है। तो यहाँ पे एक पंडाल टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे मुंडन वगैरह सबका होता है। तो 2-3 लोगों का मुंडन अभी हो रहा है, ये जो पीछे एक लड़की खड़ी है उनका अभी जस्ट मुंडन हुआ है, जब हम लोग यहाँ पूजा में बैठे हैं। तो फिर उसके बाद से फटाफट से हमारे भी बच्चे का मुंडन होगा, तो वही सब लोग आए हैं। ये दीदी की फैमिली है, मेरी फैमिली है और वो मेरी मम्मी है, जैसे कि आप तो जानते ही हैं मम्मी को, तो और वो मैं हूँ पर्पल कलर के सूट में। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने बच्चे के साथ ट्विनिंग की थी, बट ये मुंडन में क्या था ना कि येलो या रेड पे ही मुंडन होता है, तो चेंज करा दिया मम्मी ने। तो जो हम लोग लेके गए थे कपड़े, उस कपड़े पे मामा के यहाँ से जो ड्रेस आता है उस पे मुंडन होता है, तो वही मैंने सोना को पहना दिया, अच्छे से रेडी कर दिया और फिर पूजा में सोना बैठ गई है। और ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने मेरा वीडियो शूट किया। फिर उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे थे, फिर उसके बाद से हम लोग गए वहाँ पे मुंडन के लिए तैयारी करने। तो आप लोग बताइए कौन कौन गोपालगंज थावे से है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि इतने दूर से भी लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। और मैं हमेशा हम लोग आना जाना रहता है गोपालगंज यहाँ पे थावे में, क्योंकि माता रानी बहुत जगता है यहाँ पे, मतलब हम लोग बचपन से ही यहाँ पे आते हैं। और अभी मुंडन में तो हम लोग मतलब पूरी फैमिली आई थी, मेरा भाई भी था, बट अभी भाई कुछ सामान लेने गया है और पापा मम्मी सब कोई था। तो यहाँ पे सब लोग देखिए आप पूजा में बैठ के कैसे मेरी बेटी जय कर रही थी, और उनके आँख में थोड़ा सा वो लग रहा था धुआं, तो फिर मैंने दीदी को बोला कि वो धूप बत्ती हटा दो क्योंकि मेरी जान के आईज़ में लग रहा था। फिर उसके बाद पूजा वूजा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, फैमिली गेट टुगेदर था, ज़्यादा हम लोगों ने किसी को मतलब ज़्यादा गुस्से नहीं हुआ था, बस फैमिली मेम्बर ही थे, क्योंकि एट ए टाइम प्लान बना और देन उसके बाद से सब लोग बिजी रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फैमिली फैमिली में कर लिया और बहुत मज़ा आया, क्योंकि
अपनी फैमिली सबसे बेस्ट है, मैं तो इतना जानती हूँ। वो देखिए सोना कैसे कर रही है पूजा, और अभी मम्मी को देगी जल कि नानी आप भी पूजा करो। और सोना जितना भी मतलब यहाँ पे बच्चे हैं सब सोना के कज़न हैं। ये देखिए इनके चाचा ताऊ के लड़के हैं, वो भी चाचा जी के लड़के हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वो रिमझिम भी है, सब लोग हैं यहाँ पे, सब बच्चे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था गाइज, मैं तो मतलब बहुत इंजॉय की थी। मैं मेरा फ़ोन कहाँ था मुझे नहीं पता था, यही जो रिमझिम है यही मेरा वीडियो शूट कर रही थी। फिर उसके बाद मुंडन जब हो रहा था तो मैं और ये जो ग्रीन साड़ी है ना, ग्रीन है आई थिंक, ग्रीन साड़ी में जो दी बैठी हैं वो मेरी दी की ननद हैं, ये देवरानी जेठानी है लोग, और वो ननद हैं, और ये उनकी बेटी है, उनका बेटा, और ये पंडित जी, ये जीजा जी, ये दीदी, ये सोना, सोना की मासी का तो कोई वीडियो ही नहीं बना रहा है। तो चलिए अभी आप लोग इंजॉय करिए, मैं मुंडन में मिलती हूँ आपसे। लॉट्स ऑफ लव म्यूज़िक ऐड कर दे रही हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में मुंडन के टाइम में। वाओ क्या बात है, वो म्यूज़िक भी इतने अच्छे टाइम पे स्टॉप हुआ है। सो गाइज यहाँ पे मुंडन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे गुड़ और दही खिलाया जा रहा है मेरे बेटे को। फिर उसके बाद मुंडन स्टार्ट होगा, वो रो रही है, मतलब उसको लग रहा है क्या खिला रहे हैं ये लोग, तो रो रही है, कह रही है नहीं खाना नहीं खाना, बट बोल रहे हैं थोड़ा सा खाना होता है, साइड करना होता है। तो वही फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया था मुंडन। तो ये देखिए इधर मैं बैठी हूँ, इधर वो दीदी बैठी है, और मेरी मम्मी, मेरी दीदी और भाभी जी सब लोग हैं, और जीजा जी मुंडन करेंगे, और उधर भाभी लोग हैं, दादी हैं, मम्मी जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सो देखिए जीजा जी वीडियो बना रहे हैं, और मैं और दीदी हम लोग मतलब ऐसे बाल रोकेंगे। सो चलिए स्टार्ट हो गया है मुंडन होना। देखिए ये तो है, बट मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का मुंडन होता है तो वो इतना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, इतना रोते हैं, बट टच फूड मेरी बेटी ने एक भी बार नहीं रोया। इतने अच्छे से कटिंग करवा लिया, इतने अच्छे से ना, देखिए कितने अच्छे से, सो क्यूट मेरी जान, एक बारी अभी नहीं की। बस वो जो गुड़ और दही खिला रहे थे जब भी थोड़ा सा ऐसे मुँह बना रही थी, नहीं तो उससे पहले बिल्कुल शांत होके इतने प्यार से कटिंग करवाई। फिर उसके बाद देखिए ये सब हो रहा है, ये सब गिफ्ट लोग दे रहे हैं, पैसे वैसे डाल रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, गाने हो रहे हैं पीछे। मैंने म्यूज़िक इसलिए म्यूट कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर हो रहा था, पता नहीं कौन कौन आ गया था, हम लोग को पता भी नहीं था, इतना शोर हो रहा था, इसलिए म्यूट कर दिया था।
और उसके बाद हम लोगों ने ये जब मुंडन हो गया फिर हम लोग ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा भीड़ है। मैं नहीं पता नहीं कौन शूट कर रहा था मेरा वीडियो। ये देखिए मेरी मम्मी गिफ्ट दे रही है सोना को, ये हाथ में पहनने वाला बेरवा है और ये टेडी बियर मैं भी दिया मम्मी ने, मतलब हम लोग की तरफ से टेडी बियर और सोना के लिए ये सारे कपड़े हैं मेरी जान के लिए, और ये हाथ में जो पहनी है वो बेरवा भी है और सोने का चैन है, देखिए मम्मी पहना रही हैं, और बहुत बहुत सारा बहुत कुछ दिलाया। और उसके बाद से हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया। ये देखिए कितने शांति से बैठ के कटिंग करवा रही है। अभी टूडन भी होगा बट अभी थोड़ी देर में होगा, पहले हम लोग जाएंगे बाबू का बाल लेके वहाँ माता रानी के पास, वहाँ पे चढ़ाएंगे उनका मत्था वत्था टेकेंगे, देन उसके बाद से हम लोग फिर से टूडन करवाएंगे। तो अभी मंदिर में तो इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे मोबाइल ले जाना ही पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी उसी में थोड़ा बहुत ही शूट कर पाया मैंने कि आप लोगों के लिए कि थोड़ा बहुत दिखा दूँ। ये देखिए मेन मंदिर यही है माथाओं की, हे माता रानी सबकी इच्छा पूरी करिए, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है सबका कल्याण करिए, जो जहाँ बैठा है वहीं से दर्शन कर ले क्योंकि यहाँ पे बहुत मान्यता है। देखिए मेरी जान बिना बोले जय माता दी बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोली, वो मंदिर देखते ही ज्योत बत्ती देखते ही हाथ जोड़ लिया उसने। तो उसके बाद से आप लोग भी जल्दी जल्दी जो भी जिसके मन में मन्नत है मांग लो, क्योंकि थावे वाली माता रानी कभी किसी की झोली खाली नहीं करती हैं, बहुत बहुत मान्यता है। सो उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट कर पाई, और बहुत ज़्यादा धूप भी था उस दिन, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था बाप रे। फिर हम लोग फ़ोटो वोटो थोड़ा बहुत खिंचवाए, फिर उसके बाद बाहर आ गए। फिर जब बाहर आए तो फिर पंडित जी लोगों ने बोला कि अब टूडन टूडन हो जाए, तो वही टूडन हो रहा है। देखिए मेरा बेटा कैसे सर नीचे करके टूडन करवा रहा है, और कपड़े मैंने इसलिए चेंज कर दिए थे क्योंकि उसमें बहुत सारे बाल हो गए थे, पूरा बाल बाल हो गया था उस वाले ड्रेस में। फिर उसके बाद टूडन हो रहा है, मेरा बेटा अभी भी एकदम शांत, थोड़ा बहुत चीचा कर रहा था क्योंकि वो मुँह में बाल जा रहा था ना, अभी तो बिल्कुल वो क्लीन हो जाएगा सर इनका। तो जो भी बला है सब टल जाए, माता रानी मेरी बेटी को हमेशा खुश रखें। माता रानी जो भी हम लोगों से गलती हुई मुझे हम लोग को क्षमा कर दीजिएगा, मेरी बेटी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, बस यही विनती है आपसे। और भगवान जी सबको खुश रखना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है प्यार सपोर्ट दे रहा है सबको खुश रखना। और देखिए मेरा बच्चा कैसे अपना टूडन करवा रहा है। बस यही कहूँगी गाइस कि आप लोग जहाँ भी हों खुश रहो, और हम लोगों को भी खुशियाँ दो, हम लोगों को प्यार दो, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कमेंट करते टाइम प्लीज़ कुछ लिखिए जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगता, जो आपको अच्छा इसमें देखना है, मतलब जो भी आपका राय है प्लीज़ बताइए। देन उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया वहीं पे, और फिर हम लोग घर आए, जीजा जी के घर पे ही गए थे लोग, वहीं से हम लोग डिनर वगैरह करके आए थे, मछली बना था, राइस बना था, सब लोगों ने खाया था, पटीदारी वगैरह सबको ही खाया था। देन उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने घर, और ये देखिए मेरी जान कैसा मेरा मेकअप कर रही है। सो चलिए गुड नाइट।